हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड में उपस्थित तारों, ग्रहों और उपग्रहों में हो रही घटना और परिवर्तन के बारे में हमें सुनने को मिल ही जाता है। ऐसा ही परिवर्तन इस समय सूर्य में देखने को मिल रहा है। सूरज की सतह पर इन दिनों परिवर्तन का दौर चल रहा है। इसमें बड़ा धब्बा सन स्पॉट दिखाई दे रहा है। सन स्पॉट से निकलने वाली छोटी ज्वालाएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही है। इससे पृथ्वी का भारी भाग प्रभावित हो रहा है। इस तरह के खगोलीय बदलाव 10 से 11 साल में देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सन स्पॉट क्या है और ये कैसे पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि 15 अगस्त को क्या आकाशीय घटना घटी थी और 30 अगस्त की रात आकाश में कौन सा सुंदर दृश्य घटने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। हाल ही में नासा की सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी द्वारा विशाल सन स्पॉट समूह AR2770 देखे जाने का दावा किया है। नासा की ऑब्जर्वेटरी से लिए गई सूर्य की फोटोग्राफ की मदद से ये सन स्पॉट समूह देखा गया है। अध्ययनों से पता चला है कि सूर्य का अपना 11 साल का चक्र होता है। इस दौरान उसकी सतह पर बदलाव होते हैं। इन दिनों वैसी ही प्रक्रिया चल रही है। सूर्य अपनी धुरी पर 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। जिस भाग में सभी सन स्पॉट है वह पृथ्वी की तरफ है। अगले करीब 10 दिन तक ये सन स्पॉट देखे जा सकेंगे। सूर्य पर 2 सन स्पॉट यानी सौर कलंक उभर आए हैं और तीसरा सौर कलंक भी उभरने वाला है। चलिए जानते हैं कि सन स्पॉट क्या होता है। सन स्पॉट या सौर कलंक सूर्य पर एक ऐसा क्षेत्र है जो काले रंग का दिखाई देता है। इसे अंबुरा कहा जाता है, जो पेनम्ब्रा नामक एक लाइटर रीजन से घिरा हुआ होता है और आसपास के हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडा होता है। इसका व्यास 50,000 किलोमीटर तक होता है। ये सूर्य की भारी सतह यानी फोटोस्फीयर के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 2,500 गुना ज्यादा होता है। अब जानते हैं कि सन स्पॉट काले क्यों दिखाई देते हैं। सन स्पॉट में उच्च चुंबकीय दबाव होता है, इसलिए आसपास के फोटोस्फीयर में वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे सूर्य के आंतरिक भाग से सतह तक गर्म गैसों का प्रवाह रुक जाता है। इस प्रभाव के रुकने से सन स्पॉट काले दिखाई देते हैं। यदि ये सन स्पॉट व्यास में 50,000 किलोमीटर बढ़ता है तो ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है और इसी ऊर्जा के निकलने से विस्फोट होते हैं और इन्हीं विस्फोटों के कारण सोलर फ्लेयर्स की उत्पत्ति होती है। ये विस्फोट चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के मुड़ने, क्रॉसिंग या पुनर्गठन के कारण उत्पन्न होते हैं और यही सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सन स्पॉट सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का विजिबल मार्कर है, जो कंबल की तरह काम करता है और ब्रह्मांड के हानिकारक विकिरण से सौरमंडल की रक्षा करता है। लेकिन सन स्पॉट AR2770 के फैलने और सीधे पृथ्वी की ओर मुड़ने की संभावना है, जो पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकती है। आशंका है इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घट सकते हैं। इसके पृथ्वी की तरफ आने का मतलब है यहाँ महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी का ठप हो जाना, जैसे बिजली, मोबाइल नेटवर्क आदि, जिससे संचार माध्यमों को नुकसान हो सकता है और ये पावर ग्रिड, सैटेलाइट, रेडियो संचार, GPS को प्रभावित कर सकता है। अब जानते हैं 15 अगस्त को कौन सी घटना घटी और 30 अगस्त को कौन सी आकाशीय घटना देखने को मिल सकती है। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के उल्लास के बीच 15 अगस्त की रात ही सौर परिवार के खूबसूरत ग्रह वीनस यानी शुक्र व चंद्रमा एक साथ हुए थे और दोनों अपने सर्किल से गुजरते हुए एक दूसरे से करीब 3 डिग्री आभासीय दूरी पर नजर आए। ये नजारा दर्शनीय था। पूरी रात दोनों एक साथ सफर तय करते हुए नजर आए थे। ऐसा ही 30 अगस्त की रात को देखने को मिल सकता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति व चंद्रमा का दुर्लभ मिलन 30 अगस्त की रात को गोल्डन हैंडल के रूप में देखने को मिलेगा। इसमें चंद्रमा के एक हिस्से में हैंडल के आकार का उभार दिखेगा। ये चंद्रमा का पर्वतीय हिस्सा है, इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकेगा।
तो आज की इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि सनस्पॉट क्या है और ये पृथ्वी के संचार माध्यमों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।